फ्रॉम दिल्ली टू मेरठ इन 60 मिनट्स ऑन ट्रैक्स। टाइम्स में आर्टिकल छपा है जिसमें लिखा है कि आप दिल्ली से मेरठ सिर्फ 60 मिनट में ट्रैवल करने की योजना है। ये योजना यूपी की मंजूरी मिल चुकी है, बट सिर्फ अब दिल्ली गवर्नमेंट पर जिसमें जिसको अप्रूवल देनी है। तो दिस प्रोजेक्ट फ्रॉम दिल्ली टू मेरठ इज़ कॉल्ड RRTS। So RRTS, as you all know, is Rapid Rail Transport System. So as written, it is likely to be completed in 2024. That means another 6 to complete. Already got the approval of Uttar government, and that of Delhi government approval is waited. And this has been executed by National Capital Region Transport Corporation. तो जैसे कि हम देख रहे हैं कि डे बाय डे जिस तरह से दिल्ली की आबादी बढ़ रही है, तो इसके जितने शहर हैं वाकई में उनको कनेक्ट करने की ज़रूरत है। अब जैसे कि हम देख सकते हैं, अगर अप्रूवल मिल जाए गवर्नमेंट की भी और ये जल्दी स्टार्ट हो जाए काम होना, और जैसा कि इसमें लिखे अगर 2024 तक ये प्रोजेक्ट कम्प्लीट हो जाता है, तो इसे दिल्ली राहत मिलेगी और जो आसपास के जो शहर जैसे कि गाज़ियाबाद, मोदी नगर, मेरठ, यहाँ दिल्ली अप डाउन कर सकेंगे। इसमें लिखा गया है, जैसे कि हम देख भी सकते हैं, जैसे कि अखबार में लिखा भी है, ये जो ट्रेन होगी बिल्कुल दिल्ली मेट्रो की तरह ही होगी, एरोडायनेमिक होगी, मतलब देखने में बिल्कुल बुलेट ट्रेन की तरह, और इसका फेयर कलेक्शन भी जैसे दिल्ली मेट्रो है कार्ड के थ्रू वैसे रहेगा, एयर कंडीशन रहेगी, इसमें सीट होगी जैसे कि हमारे दिल्ली मेट्रो जो एयरपोर्ट जाती है उसमें एयर कंडीशन तो होगी होगी, आजकल बहुत छोटी सी बात रह गई है, चार्जिंग पॉइंट, वाईफाई भी रहेगा इसमें, और लगेज भी रह सकते हैं थोड़ा बहुत। तो दिस थिंग, और जैसा कि देखा जा रहा है इसमें ये सरायकाले खान, हज़रत निज़ामुद्दीन स्टेशन, हज़रत निज़ामुद्दीन मेट्रो स्टेशन, ISBT, आनंद विहार का जो मेट्रो है वो भी कनेक्ट रहेगा, तो इससे बड़ी राहत मिलने की उम्मीद। प्रोवाइडेड दिस प्रोजेक्ट स्टार्ट्स एंड फिनिशेस बाय 2024, सो व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग।